अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप तमाम हजरात खैरियत से होंगे। अल्लाह से दुआ है जहाँ भी आप हैं अल्लाह आपको खुशी और सलामती के साथ महफूज रखे। दोस्तों रमज़ानुल मुबारक का मुकद्दस महीना चल रहा है और इस मुकद्दस महीने में अहले ईमान को एक और अहम इबादत का हुक्म अल्लाह की जानिब से दिया गया है जिसका ताल्लुक अभी अखीर अशरे से है, तीसरे अशरे से, यानी एतिकाफ। इसलिए आज आप हजरात की खिदमत में एतिकाफ का सवाब, अल्लाह उसके रसूल की नज़र में इसकी अहमियत क्या है और इसी तरीके पर एतिकाफ में बैठने का मुकम्मल तरीक़ा क्या है, ये बयान करने वाली। सबसे पहले ये समझिए कि एतिकाफ का सवाब क्या है, अल्लाह उसके रसूल की नज़र में इस इबादत की अहमियत और हैसियत क्या है। इसकी अहमियत और हैसियत को हमें इससे समझ लेना चाहिए कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब एतिकाफ का हुक्म मिला उसके बाद कभी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिंदगी में अखीर अशरे का एतिकाफ नागा नहीं किया, छोड़ा नहीं, फौत नहीं किया। जब तक आप जिंदा रहे अखीर अशरे का एतिकाफ करते रहे। और एक रिवायत में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अखीर अशरे के एतिकाफ की फजीलत बयान फरमाते हुए कहा, फरमाया कि अखीर अशरे के एतिकाफ करने वाले को दो हज और दो उम्रों का सवाब अल्लाह की जानिब से दिया जाता है, उसको नवाजा जाता है। और एक रिवायत में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नफली एतकाफ की फजीलत बयान फरमाते हुए फरमाया कि जो बंदा एक दिन का नफली एतकाफ करता है अल्लाह ताला उस नफली एतकाफ की बरकत से उस बंदे और दुनिया उस बंदे और जहन्नम के दरमियान तीन खंदक़े हाइल फरमा देते हैं। उस बंदे और जहन्नम के दरमियान तीन खंदकों का फासला हो जाता है और एक खंदक का फासला और दूरी इतनी है जितनी जमीन और आसमान की दूरी। एक दिन के नफली एतकाफ की फजीलत ये है, तो फिर रमजान के अखीर अशरे के एतकाफ का क्या हाल हो। इसलिए इस फजीलत और इस सवाब को हासिल करने के लिए मर्दों को भी औरतों को भी एतिकाफ में खूब दिलचस्पी का मुजाहरा करना चाहिए और एतिकाफ में बैठना चाहिए। एतिकाफ में कब बैठना है याद रखें, मर्द औरत दोनों को जो भी एतिकाफ में बैठना चाह रहे हैं 20वें रोजे की इफ्तार से पहले पहले मर्दों को मस्जिद में होना जरूरी है और एतकाफ की नियत करना ज़रूरी है, और औरत को जिस जगह वो एतकाफ में बैठ रही है उस जगह पर मौजूद होना ज़रूरी है और वहीं 20वें रोज़े की इफ्तार करनी है। अखीर अशरे का जो टाइम है वो ग़ुरूब आफ्ताब से शुरू हो जाता है 20वें रोज़े की, और ग़ुरूब आफ्ताब कब होता है, जब हम रोज़ा इफ्तार करते हैं। तो रोज़ा इफ्तार से पहले पहले मस्जिद में मौजूद होना है और उस वक्त ही दिल में ये इरादा कर लेना है कि मैं अखीर अशरे का एतकाफ कर रहा हूँ। बस इतना इरादा कर लेने से आपकी नियत भी दुरुस्त हो जाएगी। जब आप मस्जिद में जाएं एतकाफ के लिए तो अपनी ज़रूरियात के सामान साथ लेकर के जाएं। मोटा बिस्तर आपके साथ हो, एक दो जोड़ा कपड़ा आपके साथ हो, और हर ऐसा सामान आपके साथ हो जो आपकी ज़िंदगी की ज़रूरत का है। सामान सहूलत के साथ अपने साथ रखें ताकि अपनी ज़रूरत के सामान के वक्त जब उसकी ज़रूरत हो तो फिर आप परेशान ना हो। एतकाफ में बैठने के बाद क्या करें याद रखें, एतकाफ में बैठने के अहम मकासिद में से एक मकसद है शबे कद्र को हासिल करना, उस रात को इबादत के साथ गुजारना जिसकी फजीलत और जिसका मकाम 1000 महीनों से बेहतर है। इसलिए कोशिश करनी है कि मैं जो एतकाफ में बैठा हूँ उस रात को और उस रात की इबादत को ज़रूर पाऊँगा और उस रात में इबादत करके उसका सवाब ज़रूर हासिल करूँगा। वो रात कौन सी होती है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि शबे कदर ये अखीर अशरे की ताक रातों में से कोई एक रात होती है,
बेजोड़े वाली रातों में से। बेजोड़े वाली कौन सी है? 21, 23, 25, 27, 29, इन पांच रातों में से कोई एक रात शबे कद्र की होती है। जब एतकाफ में बैठें तो फिर अपने वक्त को इतना वसूल करें कि खुसूसन इन पांच रातों को इबादत के साथ, कयाम के साथ, तिलावत के साथ, जिक्र के साथ, दरूद शरीफ के साथ, जन्नत के मांगने के साथ, जहन्नम से पनाह मांगने के साथ, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सलाम भेजने के साथ गुजारें और अपने गुनाहों से तौबा के साथ गुजारें, फिर एतकाफ में बैठने की जो लज्जत है इंशाअल्लाह ताला आपको फिर वो महसूस हो। तो यह एतकाफ में बैठने का मुकम्मल तरीक़ा है। एतकाफ में बैठने के बाद मस्जिद के आदाब का ख्याल रखें, याद रखें, अदब करने वाला ही पाता है, बेअदब तो बेनसीब होता है, बाअदब बानसीब होता है। अगर अदब करेंगे अल्लाह के घर का तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह हमें नवाजेगा, और अगर एतकाफ के नाम पर मस्जिद में बैठकर मस्जिद की बेअदबी करेंगे तो फिर अल्लाह ताला हमें महरूम कर देगा। उम्मीद करता हूँ मैं आपको अपनी बात समझा पाया हूँ। दुआओं की दरख्वास्त है, फिर मिलेंगे इंशाअल्लाह किसी नई और अच्छी वीडियो के साथ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।